लिया। अभी भी एक और प्रत्याशी निकल के आ चुकी है, क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम इंद्रावती देवी। इंद्रावती देवी किस चीज़ से चुनाव लड़ी है? मुखिया प्रत्याशी। पहली बार लड़ी है? नहीं, पहली बार मुखिया प्रत्याशी हूँ। इसके पहले पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हूँ। पंचायत समिति जी ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या? मुद्दा चुनाव लड़ने का यही मुद्दा है कि पंचायत में विकास काम करेंगे। आप महिला हैं, महिला का सम्मान कैसे करेंगे? महिला का विकास कैसे करेंगे? महिलाओं का जी पंचायत में आजकल महिलाएं हैं सोच के लिए बाहर जा रही है जी, और इतनी परेशानी देखने को मिल रही है। ये सारी परेशानियां दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे आप? जीत जाएंगे उसके बाद। जीतने का उम्मीद लग रहा है आपको इस बार? जी। कौन सी पंचायत आपका? ओरमा पंचायत। ओरमा पंचायत जी। अभी आप बीडीसी थी जी, और पहली बार फिर मुखिया चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़े थे और एक वोट से हराए गए। एक वोट से हारी थी जी। आपका नाम पूरा? इंद्रावती देवी। अपने जनता को क्या संदेश देते हैं कि आपका आज नॉमिनेशन हो गया, आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा अपने आप को प्राउड कर रही है कि हम मुझे इस बार मुखिया के लिए लड़ रही हूँ और समाज आपके साथ रहेगा? हमारे साथ समाज, सारे समाज हमारे साथ रहेंगे। और सबका प्रस्तावक कौन है? प्रस्तावक राजकुमार सिंह है। कहाँ है? बुलाइए उनको। आप लोग महिला इनके साथ आए लो, क्या कुछ कहेंगे इनके साथ? नॉमिनेशन हो गया, आप लोग इनके साथ आए तो इनके साथ आप लोग हैं? जिताने का आप लोग चंद्र जी को वोट दीजिएगा। आप इनके कौन है? हाँ जी। आप कौन है? ये हमारी पत्तू है। अच्छा, पत्तू है आपका? हाँ। ससुर है? तो क्या कुछ कहिएगा आप उनके घर के हैं, और क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं कुछ आप? क्या करना हम चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये जीत जाए। आप लोग युवा इनके साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? बोलिए बोलिए बाबू, आप वोट देंगे? आप इनके साथ हैं, क्या कहेंगे? मतलब क्या समाज में विकास होना चाहिए? इनको जिता कर जनता की फिर से सेवा करो एक बार। और क्या कहेंगे? मैं जनता का मतलब समाज सेवा करती हूँ और करूँगी, हमेशा करूँ। पंचायत में घुमा हूँ, भ्रमण किया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ कि पंचायत में इतना कमी, इतना समस्या है जी। लोग सोच के लिए बाहर जा रहे हैं, नाला नाली कमी है। तो सर 15 साल से जो है वो ना अपना जानेगा, हम तो नहीं ना है। हम जो बीडीसी रहे थे ना, बीडीसी रहे थे तो जो काम में बीडीसी में कौन मेरे काम में पोखरा का काम कराए और रोड का काम कराए, पेंशन पास कराए, उसके बाद जितने लोगों का मतलब ये जो है डीलर का। सरकार जिस तरह से महिलाओं को साथ दे रही है, महिलाओं को नौ डीलर का भी काम कराए थे एसडीओ को से। चले धन्यवाद, एक बार जनता को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।